बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट होगा फाइनल। आनंद किशोर ने कर दी है घोषणा। जो 13 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इंटर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे उनके इंतजार पे लग गया है पूर्ण विराम और जारी होने जा रहा है इंटर का सबसे बेहतरीन रिजल्ट। इस बार बहुत बड़ी अपडेट, सभी छात्रों के लिए खुशखबरी, इंटर रिजल्ट फाइनल हुआ है और बिहार बोर्ड ने एक बार फिर से सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने का रिकॉर्ड बना दिया है। और जो भी छात्र जो है 300 के पार हुए हैं और जिनका छात्र जो है वो 400 से ज्यादा नंबर लाए हैं, उन सभी छात्रों का लिस्ट जो है वो उनके स्कूल कॉलेज को ऑनलाइन इस बार निर्गत किया जाएगा। और अनंत किशोर जी और शिक्षा मंत्री बिहार के खुद यहां पे रिजल्ट की घोषणा करेंगे। इसके लिए औपचारिक यहां पे ऐलान किया जा रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से फटाफट सभी को शेयर कर दें। बहुत बड़ी खुशखबरी, आप सभी छात्रों का इंतजार जो है वो समाप्त हो गया, क्योंकि इंटर परीक्षा में 13 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार था कि उनका रिजल्ट जो है वो कब जारी होगा, क्या उनका रिजल्ट आ रहा है। फाइनल यहां पे अपडेट जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यहां पे जारी कर दिया है कि किस तरीके से और कितने बजे रिजल्ट की घोषणा जो है वो यहाँ पे अनंत किशोर जी और बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किया जाएगा। तो पूरी जानकारी जरूर से देखेंगे और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी को आज की जबरदस्त खुशखबरी मिल सके और उनके फेस पे एक स्माइल आ सके। इस बार रिजल्ट की प्रक्रिया जो है बिल्कुल अलग तरीके अपनाई गई है, जिस वजह से रिजल्ट जो है वो इतना जल्दी जो है वो यहाँ पे जारी होने जा रहा है। आपको बता दें जो गत वर्ष जो पासिंग परसेंटेज था वो 83% छात्र जो है वो यहां पे पास हुए थे पिछले साल 2023 में, लेकिन इस बार 2024 में जो पासिंग परसेंटेज है वो 95% जो है वो यहां पे पहुंच सकता है। यहां पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने औपचारिकता जो क्रम से ऐलान जो है वो यहां पे किया है। और जो भी छात्र इस बार 300 से प्लस है या जिनका मार्क्स जो है वो 280 प्लस भी बन रहा है, उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो यहां पे अपडेट जारी की है। तो पूरी जानकारी देखेंगे, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। सभी फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन वाले छात्र छात्राओं का लिस्ट जो है वो तैयार करके ऑनलाइन उनके स्कूल कॉलेज को निर्गत किया जा रहा है, क्योंकि छात्रवृत्ति में जो है जिस स्कूल कॉलेज का नाम वहां पे शामिल होगा उन्हीं छात्रों को प्रथम और सेकेंड डिवीजन के तहत जो है वो छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्योंकि इस बार जो है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दोनों को छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का यह कहना है कि अगर आप प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो रहे हैं, 300 से ज्यादा नंबर है, तो 25,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप द्वितीय श्रेणी से हैं, यानी 300 नंबर से थोड़ा सा आपका कम है, अगर द्वितीय श्रेणी में आते हैं तो आपको जो है वो यहां पे 15,000 रुपए की राशि जो है निर्गत की जाएगी, जिसके लिए कुछ शर्त रखे गए हैं जो कि आपके स्कूल कॉलेज में जो लिस्ट जाएगा वहां से आपको फॉर्म के लिए लिस्ट जो है वो आप दिया जाएगा और वहीं से आपको शर्त का जो वहां पे आवेदन करने का प्रोसेस होगा उसके तहत आवेदन करेंगे, यानी ऑनलाइन भी आवेदन होगा और स्कूल कॉलेज से आपको जो निर्गत प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन में वहां पे अपडेट करना होगा, तब आपको पैसा जो है बैंक में आ जाएगा। अब देखिए रिजल्ट के बारे में यहां पे आनंद किशोर जी का क्या कहना है कि रिजल्ट जो है वो कब जारी होने जा रहा है और कितने बजे किस साइट पे आपका रिजल्ट जो है वो यहां पे पब्लिश किया जाएगा, क्या पासिंग परसेंटेज है और जो टॉपर लिस्ट में 7 छात्र जो है शामिल हुए हैं, छात्र और छात्राएं, उनका जो टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है वो कितने दिन तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति समाप्त कर लेगी। तो सारी जानकारी जो इस वीडियो में दी जा रही है, तो थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिए और अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट सभी को शेयर कर दें ताकि सभी को सटीक जानकारी यहां पे मिल सके। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति टॉपर वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे लगातार जो है वो यहाँ पे कर रही है। छात्रों को जो है वो इस बार अलग अलग तरीके से कॉल किया गया है, यानी ज़्यादा छात्रों का भीड़ जो है वो इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इकट्ठा नहीं कर रही है। अगर आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मेन ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर कोई छात्र छात्राओं का भीड़ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 1x1 जो है वो यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, बिल्कुल गुप्त तरीके से, भीड़ भाड़ नहीं लगाया जा रहा है। तो इस बार का रिजल्ट जो बिल्कुल नए तरीके से इसलिए तैयार किया गया है ताकि जो पैरवी होती थी उस पैरवी पे पाबंदी लग सके, गुप्त तरीके से रिजल्ट तैयार किया गया है और इसी का कारण है कि इतना बेहतर रिजल्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, जहां 83% जो है वो पिछले साल पूरा पासिंग परसेंट था, वो इस बार जो है 90% सिर्फ फर्स्ट डिवीजन वाले हैं। तो यहाँ पे सोच सकते हैं कितना जबरदस्त मार्किंग किया गया है और छात्रों के किस अनुरूप मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी पेपर
पेपर खराब गया है और आपने कुछ भी लिखा है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि क्रॉस लग जाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस लगने का कोई चांस समाप्त किया गया है, क्योंकि जब सोच सकते हैं 90% फर्स्ट है तो पासिंग परसेंटेज कितना जबरदस्त और कितना हाई जो है वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यहाँ पे करने जा रही है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस बार CBSE को टारगेट कर रही है। जिस तरह से उनका पासिंग परसेंटेज हाई रहता है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी इस बार CBSE से कम रिजल्ट नहीं जारी करने जा रही है, इसीलिए आप लोग तैयार हो जाएं रिजल्ट के लिए। अब बात करें कि टॉपर वेरिफिकेशन कब तक चलेगा, तो केवल 2 दिन ही टॉपर वेरिफिकेशन अब चलेगा और फाइनली जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सर्वर का अपडेट जो है वो यहां पे शुरू कर दी है, यानी ऑफिशियल साइट जो है वो यहां पे अपडेट पे डाल दी है और रिजल्ट का प्रोसेस जो है वो तैयार कर ली है। पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति खुद उसका डेमो रिजल्ट जो है वो देखेगी सर्वर पे अपलोड करके कि किस तरह से साइट काम कर रहा है। जब साइट सही से काम करने लगेगा तो टॉपर वेरिफिकेशन समाप्त होते ही रिजल्ट जो है वो साइट पे अपलोड किया जाएगा और आप लोग का रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी कर देगी 100% पूरा रिजल्ट अपलोड होने के बाद। बस टॉपर वेरिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही टॉपर वेरिफिकेशन समाप्त होगा अचानक से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन जारी करेगी कि इस दिन आपका रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करने जा रही है, जो कि ज्यादा दिन का समय अब आपके पास नहीं बचा रह गया है। इसके लिए कल शाम में ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपडेट जारी किया था कि 22 मार्च को 3 बजे तक हर हाल में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट जारी कर देगी। ये भी हो सकता है कि 21 मार्च को ही रिजल्ट जारी कर दे, क्योंकि 22 मार्च को आपका बिहार दिवस हैं, तो क्या बिहार दिवस के दिन बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी करती है या 21 मार्च को जारी करती है, यह अपने आप में देखना होगा। लेकिन बिहार बोर्ड अब 22 मार्च के आगे किसी भी डेट को बढ़ाएगी नहीं, अब उसी के अंदर 100% रिजल्ट जारी होगा, इसका ऑफिशियल मोहर लग चुका है। और जो कि रिजल्ट सबसे पहले आप biharnotices.in पे देख पाएंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और अगर आपको डर लग रहा है रिजल्ट का, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि साफ साफ यहां पर अनाउंसमेंट पहले ही किया गया था। मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा था, जिनका 2 मार्क्स से कम हो रहा था या 5 नंबर से कम हो रहा था, ठीक है, जिनका रिजल्ट छूट रहा था, किसी को क्रॉस लग रहा था, तो उनको ग्रेस मार्क्स बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहले ही दे दी है। और जिनको लग रहा था कि मेरा कम नंबर आएगा, ठीक है, तो अगर कोई पेपर टफ था तो वो सभी के लिए टफ था, तो जिसका बोनस मार्क्स सभी को मिला है, यानी कोई टफ पेपर था तो वो इक्वल वेटेज में मार्क्सिंग किंग जो है वो यहाँ पे किया गया है। टॉपर की कॉपियों से मिलान करके देखा गया है, अगर टॉपर छात्र भी उस विषय में जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मान ली है कि ये पेपर जो है वो टफ जो है वो यहाँ पे दिया गया था, तो जिसका इक्वल वेटेज मार्क्स जो है वो आपको मिला है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर किसी का खराब पेपर भी गया है तो आपको क्रॉस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नहीं लगाने जा रही है, तो टेंशन को भूल जाइए और बिल्कुल रिजल्ट के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ऑफिशियली यहां पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 22 मार्च के 3 बजे से पहले कभी भी रिजल्ट जो है वो जारी कर सकती है। पल-पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है, तो कमेंट करके आप लोग अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा और आप लोग जरूर से मेंशन कीजिएगा कि आपको कौन सा पेपर टफ लगता था या कौन सा पेपर जो है खराब गया था, कितना आप बना के आए थे, ठीक है, तो सभी को शेयर कर दीजिए, और ताकि सभी छात्रों के फेस पे स्माइल आ जानी चाहिए कि टेंशन को एकदम मिटा देना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसके लिए बिल्कुल तैयार हो गई रिजल्ट के लिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के लिए। 22 मार्च से पहले 3 बजे तक कभी भी बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी कर सकती है, जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले मिलता रहेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, जाइए उस पर विजिट कीजिए और सारी जानकारी पढ़िए।